ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अभी आप डॉक्टर काजी और डॉक्टर पांडे से सुन रहे थे कि ऐसी व्यवस्था जो आपको आपकी लाइफ स्टाइल में बदल कर सकती है, लेकिन इस व्यवस्था तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? डॉक्टर साहब आए हुए अभी आज एक दिन दो दिन का कैंप लेंगे, फिर चल जाएंगे। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको इनकी जरूरत हो, उनके काम पड़ता है, तो धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की तरफ से क्या अमरावती व्यवस्था है? हमारे अमरावती के ही निवासी जो अभी डॉक्टर धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में वहाँ पे मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या ऐसी व्यवस्था। फैजल भाई, अभी जैसे आप 3 साल से कैंप यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ में हर साल कैंप में जुड़ता हूँ। आप आते हैं और चले जाते हैं, 2 दिन तक रखता है कि हाँ डॉक्टरों की टीम है। कई लोग उस टाइम आ जाता है मैंने भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब कैंप चलता है तो उसमें उत्साह आता है कि मैं भी करूँ, लेकिन दूसरे दिन जाके फिर काम में लग जाता, आपके तरफ से कोई उनका फॉलोअप नहीं रहता, तो वो फिर वापस अगली बार जब आता है वापस फिर पूछता हूँ पिछले बार वाले डॉक्टर साहब नहीं आए थे क्या? तो इसके लिए कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों ने कोई यहाँ पे व्यवस्था की? मैनेजमेंट की तरफ से हमारी अभी ये कोशिश बढ़ रही है कि जो इवेंट साल में एक बार होते थे वो साल में कई बार, मतलब 2 से 3 बार 4 बार उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए, ताकि डॉक्टर्स को मालूमात जल्द से जल्द मिले, पेशेंट्स में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती रहे, और ये रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हॉस्पिटल एक कदम आगे बढ़ रहा है। अभी टेलीमेडिसिन सेंटर की स्थापना की भी प्रयास चालू है, उस बारे में मेरे कलीग आपको बताएंगे। और हमारे मैनेजमेंट का ये कोशिश है कि एक कॉमन आदमी, अमरावती का कोई पेशेंट, वो मुंबई आने के बाद उसका चक्कर व्यर्थ ना जाए, वो यहीं से बैठे बैठे पहले पूरा अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, सीटी स्कैन, एमआरआई या उसकी रिपोर्ट्स, वो मुंबई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमारे हॉस्पिटल में ऑनलाइन माध्यम से होने चाहिए, प्री व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए आप? उसके लिए हम एक सेंटर की स्थापना कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी की मदद से, डॉक्टर पंजाबी जो अम्बापेट में उनका क्लिनिक है, और इन्हीं की सहायता से पिछले 3 साल से ये सारे CME डॉक्टर इवेंट और अमरावती की जनता तक पहुंचने के प्रयास हमारे ये काफ़ी सफल बन रहे हैं उनकी सहायता से। इसके लिए हमारी मैनेजमेंट उनकी शुक्रगुजार भी है, आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो आपकी पूरी टीम का वी वांट टू थैंक फॉर दैट। सो बेसिकली हमारा प्रयास हर साल और बेहतर सेवाएँ अमरावती को उपलब्ध कराने में लगा है, तो कुछ महीनों बाद आपको कुछ और घोषणाएं सुनने मिलेगी, जिससे अमरावती की पूरी जनता जो है खुश हो जाएगी। करने वाली की पॉलिटिकल घोषणाएं ये बिल्कुल जिसे कहेंगे पूरी तरह रियल में इंप्लीमेंट होने वाली घोषणाएं हैं। हमारी चेयरपर्सन मिसेस टीना अंबानी, उन्होंने खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि अमरावती, नागपुर ऐसे शहरों में आगे कैंसर और ऐसी कई बीमारियों में वहाँ से बैठे बैठे टेलीमेडिसिन से तो इलाज करेंगे ही हम लोग, बट साथ में यहाँ भी आके कुछ बड़ा सेंटर या ऐसा कुछ आगे, वो भी हमारे प्लान्स में है। तो मेरे साथ हमारे मार्केटिंग चीफ मैनेजर मिस्टर राहुल शुक्ला है, ये आपको डिटेल में बताएंगे कि टेलीमेडिसिन सेंटर क्या। राहुल जी, आप अमरावती की हो या बॉम्बे से हो? नहीं, मैं बॉम्बे से हूँ जी, बट और मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जो अप कंट्री डिपार्टमेंट है कि बाहर से आने वाले पेशेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारा मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में। और मैं रोज़ तकरीबन 8 से 10 ऐसे पेशेंट को मिलता हूँ जिन जो बिना किसी तैयारी के वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहीं सुना, उन्होंने कहीं पढ़ा, कहीं इंटरनेट पे देख लिया, वो अपना सामान पैक करके सीधा हॉस्पिटल पहुँचते। उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे खर्चा कितना लगेगा, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कि आज डॉक्टर साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं कहाँ जाके रहूँ, ये भी उनको पता नहीं होता है। तो हम, मेरा डिपार्टमेंट जो है, हम ये कोशिश करते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो कहीं से उनको दिखा दे डॉक्टर साहब को, कहीं रहने की सुविधा नहीं हो रही है तो वो अवेलेबल करवा दे। उनके साथ कोई आके बोलता है नहीं हमें तो ये बजट में ही होटल चाहिए, तो हम उसको वो भी लिस्ट दे देते हैं, हम होटल वाले से बात करके ये भी बोल देते हैं कि भाई ये हमारे पेशेंट है, इनको ये रेट में आपको दिलाना ही दिलाना है, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन हम करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि पेशेंट जब कोकिलाबेन हॉस्पिटल पहुंचे तो वो अपनी पूरी तैयारी से आए, इसीलिए अब उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिले उसको, और उसको जो यहाँ से कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ट्रीटमेंट करके जिन्हें करके जाए वहाँ पे इजीली कम समय में ज़्यादा अच्छा काम हो सके। यस, यही हमारा अभी ये करने के लिए हमने काफी सर्वे किया, काफी रिसर्च किया। तो यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी लगेगी आपको पूरी, यहाँ पे कैसे व्यवस्था आप जी डॉक्टर हो कुछ?
नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बिजनेस डेवलपमेंट में हूँ और मेरा काम है पेशेंट कोऑर्डिनेशन। तो लगेगी ना आप टेक्निकल टीम, धीरूभाई अंबानी देंगे उसके लिए। हम डॉक्टर पंजाबी हैं यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी, उनकी सहायता से यहाँ पर पूरा वो जो एक टेक्निकल टीम की ज़रूरत पड़ती है उसका पूरा सेटअप अम्बापेट में जो उनका सेंटर है वहाँ पर कर रहे हैं। इसमें हम ये कर रहे हैं कि पहले तो एक टेलीमेडिसिन सेंटर जो बोलते हैं वो हम शुरू करने वाले हैं, जहाँ की पेशेंट अपने डॉक्टर से बात करके फिर बम्बई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। और ये सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक लिमिटेड नहीं है, इसमें हम पेशेंट को एक पूरा कोटेशन दे पाएंगे कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो हमने समझ लिया है और उसमें इस तरह का खर्चा दिख रहा है और इस तरह का काम है जिसके लिए आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा या 4 दिन रुकना पड़ेगा या 5 दिन। तो आप उस यानी उसके साथ जो वहाँ पे प्रॉपर होना जो टाइम पैसा उसकी व्यवस्था की सारी यहीं से पूरी जाए, वहाँ से उतरे सीधी वो व्यवस्था में लग जाए। यस, तो उसको वहाँ पर कोई ही इज मोर कॉन्फिडेंट इन कमिंग टू द हॉस्पिटल और उसका खर्चा भी काफी हद तक एक हो कम हो जाता है। ये प्रॉपर मैनेजमेंट से ज्यादा निश्चित खर्चे में फर्क पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं उसे कहाँ रहना है, फिर टाइम पे जो भी रूम ले वो। और कई बार ये भी होता है कि वहाँ आना जरूरी था या नहीं था। कई बार डॉक्टर ये भी बोल देंगे वो देखने के बाद कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अमरावती में ही आप ये ट्रीटमेंट ले लो तो आप वहीं अच्छे हो जाओ। तो वो जो पेशेंट एक 2,000-3,000 रुपए खर्च करता है सिर्फ वहां तक पहुंचने में, वो काफी हद तक उसका मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा कि आपको यहाँ आना है कि नहीं आना है। आना है तो इतना इस तरह से तैयारी करके आप आइए। तो हम यहाँ पर बहुत ही आधुनिक स्कैनर्स लगाने वाले हैं जिनसे आप एक्सरे स्कैन कर सकते हैं, हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन में MRI CT स्कैन वो सब वहाँ पर डॉक्टर देख पाएगा। वो ब्लड इमेजेस नहीं, वो क्लियर कट जैसे कि सामने एक्सरे रखा है उस तरह से वो देख पाएगा। लाइव हार्ट बीट जो यहाँ पर इनके पंजाबी जी के असिस्टेंट्स ने रखा, तो हमारे डॉक्टर वहाँ पर लाइव हार्ट बीट सुन पाएंगे कि भाई बराबर है साउंड नहीं है, ECG लाइव वहाँ पर देख पाएंगे। ये सब सुविधाएं हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं सो दैट पेशेंट्स आर गेटिंग दिस बेनिफिट। हम चाहते हैं कि अब हमें पता है कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते हैं सर्जरी का या जो भी आउटकम्स का, तो वो स्टैंडर्ड जब तक हम यहाँ रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, उसका हमें जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तब तक हम इस तरह से गैप ब्रिज कर रहे हैं। ये हम अमरावती है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, फिर अपना सिलीगुड़ी, देन गुवाहाटी, राजकोट, ये सब जगह पे हम टेलीमेडिसिन सेंटर्स ओपन करके वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दिस। अभी आप देख रहे थे अमरावती में भी टेली मेडिसिन सेंटर बनाने का इस ट्रस्ट का प्रयास कर रहा है। निश्चित अमरावती में बहुत ज़्यादा इस सुविधाओं का अभाव है, छोटी छोटी चीज़ के लिए नागपुर जाना पड़ता है, यदि यहाँ इस प्रकार की सुविधा होती है तो निश्चित अमरावती वालों के लिए एक बहुत फायदे की बात है।